हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं ईश्वर और विश्वास, ईश्वर और विश्वास से जुड़ी कहानी। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लास्ट में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। एक पंडित जी समुद्री जहाज से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक रात तूफान आने से जहाज को एक द्वीप के पास लंगर डालना पड़ा। सुबह पता चला कि रात आए तूफान में जहाज में कुछ खराबी आ गई है। जहाज को एक दो दिन वहीं रोक कर उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। पंडित जी ने सोचा, क्यों ना एक छोटी बोट से द्वीप पर चलकर घूम जाए, अगर कोई मिल जाए तो उस तक प्रभु का संदेश पहुंचाया जाए और उसे प्रभु का मार्ग बताकर प्रभु से मिलाया जाए। तो वह जहाज के कैप्टन से इजाजत लेकर एक छोटी बोट से द्वीप पर गए। वहां इधर उधर घूमते हुए तीन द्वीपवासियों से मिले जो बरसों से उस सूने द्वीप पर रहते थे। पंडित जी उनके पास जाकर बातचीत करने लगे। उन्होंने उनसे ईश्वर और उनकी आराधना पर चर्चा की। उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप ईश्वर को मानते हैं? वे सब बोले हाँ। फिर उन्होंने पूछा, आप ईश्वर की आराधना कैसे करते हैं? उन्होंने बताया, हम अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहते हैं, हे ईश्वर, हम आपके हैं, आपको याद करते हैं, आप भी हमें याद रखना। पंडित जी ने कहा, यह प्रार्थना तो ठीक नहीं है। एक ने कहा, तो आप हमें सही प्रार्थना सिखा दीजिए। उन्होंने उन सबों को धार्मिक पुस्तकें पढ़ना और प्रार्थना करना सिखाया। तब तक जहाज बन गया। पंडित जी अपने सफर पर आगे बढ़ गए। 3 दिन बाद पंडित जी ने जहाज के डेक पर टहलते हुए देखा, वहाँ तीनों द्वीपवासी जहाज के पीछे पीछे पानी पर दौड़ते हुए आ रहे हैं। उन्होंने हैरान होकर जहाज रुकवाया और उन्हें ऊपर चढ़ाया। फिर उनसे इस तरह आने का कारण पूछा। वे बोले, आपने हमें जो प्रार्थना सिखाई थी हम उसे अगले दिन ही भूल गए, इसलिए आपके पास उसे दोबारा सीखने आए हैं, हमारी मदद कीजिए। उन्होंने कहा, ठीक है, पर यह तो बताओ तुम लोग पानी पर कैसे दौड़ सके? उसने कहा, हम आपके पास जल्दी पहुंचना चाहते थे, सो हमने ईश्वर से विनती करके मदद मांगी और कहा, हे ईश्वर, दौड़ तो हम लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना, और बस दौड़ पड़े। अब पंडित जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, आप लोग और ईश्वर पर आपका विश्वास धन्य है, आपको अन्य किसी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं, आप पहले की तरह प्रार्थना करते रहे। ये कहानी बताती है कि ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर की आराधना प्रणाली से अधिक महत्वपूर्ण है। संत कबीरदास जी ने इसी बात पे कहा है, मालत फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। हे ईश्वर, दौड़ तो हम सब लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना। जय श्री कृष्णा। अगर आप भी लंबे लंबे फेंकते हैं तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनिए। ये दूसरी कहानी है दोस्तों इसी वीडियो में। एक आदमी था, वो लंबी लंबी हाँकने का बड़ा ही शौकीन था। जब भी कोई कहानी सुनाता तो उसे बढ़ा चढ़ाकर ऐसा बना देता कि अकलमंद तो क्या, जाहिलों मूर्खों को भी उनकी बातों पर यकीन न होता। एक दिन उसके एक शुभचिंतक ने समझाया कि यार, अपने हाथ हल्के रखना चाहिए, इतनी लंबी हाँकते हो कि मूर्खों को भी तुम्हारी बातों पर शक होने लगता है, लोग हंसते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, अब संभल जाओ। उस आदमी ने कहा, ठीक है, अगली बार जब मैं कोई कहानी या किस्सा शुरू करूं और तुम्हें लगे कि लंबी हाँक रहा हूं तो बस थोड़ी सी खांस लेना, मैं समझ जाऊंगा। उसके शुभचिंतक ने कहा, ठीक है। एक दिन वो आदमी दोस्तों की महफिल में बैठे एक किस्सा सुनाने लगा कि मैं एक बार किसी भयानक जंगल में जा रहा था, तभी अचानक मैंने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा सांप था। मुझे लगता है कि सांप लगभग 140 फीट लंबा होगा। उसका हितैषी उसके इस बात पर थोड़ा खासा, वह आदमी कुछ हड़बड़ाया, लेकिन उसने कहा, कहना जारी रखा। मैंने सोचा कि इतना बड़ा कोई सांप नहीं हो सकता, मैंने सोचा चलो करीब जाकर देखना चाहिए। तो मैं करीब गया और देखा, अनुमान लगाया कि कोई लगभग वो 110 फीट का होगा। उसका दोस्त फिर से खासा,
उस आदमी ने नाराजगी से उसे देखा और कहानी जारी रखी कि 110 फीट बहुत ज्यादा है। मैंने सोचा कि केवल सांप को मारकर ही वास्तविक लंबाई का पता लग सकता है। जब मैंने सांप को मारा और मुर्दे को करीब से देखा तो ख्याल आया कि 90 फीट कहीं नहीं गया। दोस्तों, उसकी बाल पर फिर जोर जोर से खांस रहा था। अब उस आदमी ने बेचैनी से करवटें बदल ली और कहा, अरे दोस्तों, बात को परखने के लिए जरूरी था कि मैं इसकी लंबाई नापता। मारा सांप मेरे सामने था। मैंने अपने अनुमान की सच्चाई को परखने के लिए जब नापा तो वो पूरी 70 फीट का था निकला। उसका दोस्त इस पर फिर जोर जोर से खांसने लगा तो उस आदमी ने पलट कर कहा, अबे यार, अब क्या फायदा, अब तो नाप लिया गया, तो अब अगर खांसते खांसते मर भी जाए तो भी सांप की लंबाई कम नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी दोनों कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, लास्ट में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और ये भी बताइएगा कि आप कहाँ कहाँ से हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।